शुभ प्रभात बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे परख व्याकरण से चैप्टर टू पार्ट दो वर्ण और वर्णमाला। आओ झांके झरोखे से ई ई न सारी ग म। अब यहां देखिए, ये जब इसकी सुई लग रही है तो इसके मुंह से कुछ वर्ण निकल रहे हैं। ये जो एक एक करके जो अक्षर दिए रहते हैं इनको हम वर्ण कहते हैं। यहां पर इस चीज को वो पसंद नहीं कर रहा है तो कह रहा है ना ना मुझे मत दो। और यहां पर ये गा रही है, इससे शब्द निकल रहे हैं और वो खुद भी गा रही है सारी ग म। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे वर्ण हैं। उपर्युक्त चित्रों में बच्चों के मुख से कुछ ध्वनियां निकली हैं। उनके मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियां सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब समझे, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, हमारे वर्ण या अक्षर भाषा, अगर प्रश्न पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर। यहां देखिए वर्णमाला, वर्ण अलग अलग होते हैं। अभी हमने बताया था ये वर्ण है, जो भी एक एक अक्षर निकलता है वो वर्ण होता है। जब सभी वर्णों को एक क्रम में लगा दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। यानी क्रमानुसार लगे हुए शब्दों को, अक्षरों को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला यहां से है। ये वर्ण, कुछ वर्ण दिए हुए हैं अलग अलग। अब यहां पर वर्णमाला दी हुई है पूरी, अ अ इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श ह। ठीक है, यहाँ पर ये वर्णमाला, जब हम पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्ण अलग अलग होते हैं, जब सभी वर्णों को, यानी इसका आंसर तो यही होगा ना कि सभी वर्णों को क्रमानुसार जब लगा दिया जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। टर्न द पेज, अगले पेज में देखिए। वर्णमाला, दो तरह के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हमारी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। स्वर बोलने में बहुत सरल होते हैं। इनकी संख्या 11 है। इन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है। यानी स्वर बिना सहायता के बोले जाते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। अ अ इ उ ऊ री ए आए ओ औ। ठीक है, अंग और आहा तथा अंग, यानी जिसमें चंद्रबिंदु अंग में लगी होती है, को भी स्वरों में गिना जाता है। ठीक है, गिन लेते हैं, लेकिन पर्याप्त जो उनकी एक मूल जो आंसर जो होता है उसको हम इनकी संख्या उसमें 11 ही मानते हैं, जबकि अंग आहा ये भी इसी में स्वरों में ही शामिल होते हैं। अभी व्यंजन बोलने में कठिन होते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। इनकी संख्या 33 है। ठीक है, ये बिना स्वर की सहायता से ये व्यंजन नहीं बोले जा सकते। इनकी संख्या 33 है, ये 33 है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म य र ल व श ख श ह। क्षत्रज्ञ आपके अतिरिक्त वर्ण में आ जाता है। ठीक है, इन्हें भी जाने। इतना आपने व्यंजन पढ़ा, फिर ड, जैसे सड़क, ड, पढ़, ध्वनियां भी व्यंजनों में गिनी जाती हैं। संयुक्त व्यंजन, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्यों ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कि ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। यानी छ शब्द जब हमारा बनता है तो का प्लस पा, क्ला का प्लस श षटकोण वाला शा। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तब हम छ शब्द बनता है हमारा। त्र तो ता और र, ज्ञा तो ज और उआ, श्र तो श और र। ठीक है, इससे हमारे ये संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बने हैं, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है चार। अब यहाँ पर
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? वर्ण। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन किनके मेलों से बनते हैं? तो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभ्यास कार्य, ये अभ्यास कार्य का नंबर, दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो व उस वर्ण पर गोला लगाओ। ये दिए हुए हैं वर्ण और इनको बोलकर पहचानना है। चित्र देखना है, चित्र में क्या बनना है? रथ बोलना है, फिर पहला वाला अक्षर जो है रा था, रथ। गमला, यहां पर लिखा ला का और गा, गा से होता है गमला, तो कौन सा अक्षर आ रहा है? वर्ण, वही हमें पहचानना और उसी पे गोला करना है। ये टमाटर, टमाटर किससे शुरू हो रहा है? उसी अक्षर पर आपको उसी वर्ण पर गोला करना है। यहां देखिए ख नंबर पे चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण लिखो। चित्र पहचानना है पहले हमें और फिर उनके पहले वर्ण को लिखना है। ये क्या है? खरगोश। खरगोश में पहला वर्ण कौन सा आएगा? ख, तो हम यहां पर खा लिखेंगे। मछली, थर्मस, थ, रथ, पतंग, नल। गा में चित्र देखो व नाम के पहले वर्ण पर गोला लगाओ। छाता, कबूतर, मटर, यज्ञ, लड़की, दंड बेस। ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य। खरगोश के थैले में बहुत से स्वर और व्यंजन बंद हैं, उन्हें वहां से निकालो व स्वरों को बिल्ली को और व्यंजनों को कुत्ते को दे दो। यानी दो थैले हैं, इसमें एक बिल्ली के पास है और दूसरा कुत्ते के पास। ये खरगोश बना है, इसमें बहुत सारे यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं, इनको अलग अलग करना है। तो बिल्ली को क्या देंगे? स्वर। ठीक है, ये जो स्वर है ये हम बिल्ली को देंगे और जो व्यंजन है उसे कुत्ते को, डॉगी को। तो इसमें हम लिख लेंगे, ढूंढेंगे कि कौन से स्वर है और कौन से व्यंजन है। तो स्वर यहां और व्यंजन यहां। उचित विकल्प चुनो। वर्ण भाषा की सबसे इकाई है कौन सी, छोटी या बड़ी? च, छ, ज है, क्या है? स्वर है, व्यंजन है, जो सही है उसे फिल करना है। स्वरों की संख्या क्या है, 11 या 33? संयुक्त व्यंजन कौन सा है, क या फिर छ? कौन सा संयुक्त व्यंजन है वो हमें उस पर टिक लगाना है। इधर देखेंगे इसके बाद इस पेज पर 17 नंबर पे, इसमें भी गृह कार्य मैंने दिया हुआ है आपको। दिए गए वर्ण में, दिए गए वर्ग में, वर्ग यानी चौकोर स्क्वायर, व्यंजन अपने क्रम में नहीं है, इन्हें क्रम से लगाकर दोबारा लिखो। इनको क्रम से लगाना है। क्रम का मतलब होता है जहां से शुरू होता है। अगर ये छोटे आस के शब्द यहां पर होते, स्वर होते, तो हम इसमें स्वर से शुरू करते, आ से। लेकिन यहां पर क्या है, व्यंजन दिए गए हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है व्यंजन, तो व्यंजन ढूंढने हैं हमें। यानी का से ज्ञा तक के जितने भी अक्षर इसमें आ रहे हैं उनको सबको हमें लाइन से लिखना है, क्रम वाइज, लाइन बाय लाइन, का, ख, ग, ग, इस तरीके से इसमें ढूंढना है और लिखना है। जो मिले वही लिखना है, अलग से नहीं लिखना है या अपने आप लाइन से भरते नहीं चले जाना है, इसमें ढूंढना है आपको, ढूंढकर फिर लिखेंगे। ओके, तो आपका चैप्टर यानी पार्ट 2 फिनिश हो गया है। पार्ट 3 हम अगली बार आपको पढ़ाएंगे।